लोगों को अपनी रोजी रोटी के भी लाले पड़ चुके हैं। ये तो चलो हम आप है, थोड़ा बहुत हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, हम अपना दाना पानी चला रहे हैं, खाना पीना चला रहे हैं। अब उन लोगों से पूछो जिनमें एक ही आदमी रोजगार में था और वो भी ख़त्म हो गया, तो भूखमरी तक की नौबत आ चुकी है इस वक्त। और वायदे बड़े बड़े किए जा रहे हैं, पहले मोदी जी ने कोरोना काल ये पीड़ितों के लिए 20 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट की शायद 13 लाख करोड़ की। आप खुद पत्रकार हैं, आपको जनता से रास्ता होता है, आप पूछे किस आदमी को वो राहत पहुंची है? किसी आदमी को वो राहत नहीं पहुंची। अब पता नहीं वो पैसा कहाँ जाता है। और जहाँ तक ये बस एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मोदी जी को अपना चेहरा पेट्रोल पंप पे भी चाहिए, अपना चेहरा डीसी ऑफिस में भी चाहिए, अपना चेहरा गांव में भी चाहिए। और चेहरे में ही उन्होंने जो जितना बजट, जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बजट था, ऑन रिकॉर्ड है ये 80% उसका बजट सिर्फ मोदी जी की पब्लिसिटी में स्पेंड हुआ है, तो 20% से कौन सी बात कर रहे हैं? 20% से क्या हुआ है? आज भी महिलाओं की ये स्थिति है, यूपी में बड़ी बड़ी क्लेम करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज हिमाचल की बात ले लो, आज हिमाचल एक तरह से नशे का गढ़ बन चुका है और स्थिति इतनी बुरी है कि हर रोज आप अखबारों में पढ़ रहे हैं कम से कम 5-7 लोग, 5-7 जगहों से आपको चिट्टा बरामद हो रहा है, कोई चरस बरामद हो रही है, कोई ये हो रहा है। कोई कंट्रोल यहाँ पे इसका लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कुछ अत्याचार तो सामने आ रहे हैं और बहुत सारे अत्याचार तो अपनी शर्म की वजह से वो औरतें आगे नहीं ला रही। इस तरह की स्थिति है। इन्होंने खाने पीने का भी ये कर दिया, ये इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर में भी ये पूरी तरह फेल हो गए और जनता को किसी तरह की राहत भी नहीं मिली। और मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं और बड़े अफसोस की बात है कि 4 साल का जो अरसा है वो बीत चुका है, 4 साल सवा 4 साल मुख्यमंत्री ने एक भी ऐसा दौरा नहीं रखा है जिसमें कि विकास कार्यों को वो आगे बढ़ाएं या कोई योजनाएं इस ज़िला को दें। बिल्कुल ये ज़िला खाली है विकास के बारे में, विकास में एक तरह से ग्रहण लग चुका है। और मेरा ये भी कहना है कि जहाँ जहाँ अब संविधान को ये कहता है कि जो इलेक्टेड लोग हैं, जो MLA हैं, इलेक्टेड मतलब MLA हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो लोगों ने चुने हुए हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। जो हारे हुए लोग हैं और जो जनता ने जिनको रिजेक्ट कर दिया है, उन लोगों की बात पे सरकार जो भी काम है उन लोगों की इस पर कर रही है। तो ये संविधान का बहुत बड़ा एक तरह से संविधान के साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। तो ये भी हम सरकार के नॉलेज में लाना चाहते हैं कि जो इलेक्टेड विधायक है, अगर किसी बड़े मंत्री का या मुख्यमंत्री का उस इलाके में दौरा बनता है, उन्हें उनसे साझा नहीं किया जाता है, उनको बुलाया नहीं जाता है, उनको कोई इन्विटेशन। और उस तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं, तो सबका किसी का साथ नहीं है, गरीबों का तो साथ नहीं ले रही ये सरकार, अपोजिशन का ये साथ बिल्कुल नहीं ले रही। और बात बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं सबका साथ, जब आप अपोजिशन की बात ही नहीं सुनोगे तो काय का साथ
और अपोजिशन आपका साथ क्यों दे? आप आपको तो साथ चाहिए कैपिटलिस्ट का, पूंजीवादियों का, और उनके देखो जो पीछे हुआ पिछले साल की जो फिगर्स है उसमें 80% लोगों की जो आमदनी है, 80 लोगों की जो आम आदमी है उसकी 80% आमदनी कम हुई है। और जहाँ तक अडानी और अंबानी जो मोदी जी के घनिष्ठ मित्र जाने जाते हैं उनकी आमदनी 6 से लेकर 10 गुना बढ़ी है एक वर्ष में। और अडानी जो मोदी जी का सबसे घनिष्ठ मित्र है उसकी वो आज एशिया में सबसे बड़ा संपत्ति का मालिक है। तो उन्होंने तो विकास किया, उन लोगों का किया, जनता को कोई विकास नहीं। तो ये जो भेदभाव है, ये जो सरकार की जन विरोधी नीतियाँ हैं इससे तड़प उठी है पूरी जनता सारे देश की और खास करके हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश ये इसकी बैसाखियों पे चल रहा है। अब मैं जो मुख्य विषय है आज का उस पर आना चाहूँगा। उसमें ये है कि जैसे कि आपको विदित है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप, कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर तक इलेक्शन होंगे, पार्टी संगठनात्मक इलेक्शन, और इलेक्शन के लिए जरूरी है कि मेंबरशिप हो, और मेंबरशिप पिछले एक महीने से जारी है, यहाँ भी हो रही है, ब्लॉक लेवल पर भी हो रही है। जहाँ मेंबरशिप नहीं मिल रही है वो उनको मैं अपनी तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेंबरशिप मुहैया करवा रहा हूँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या जो मेंबरशिप करना चाहता है वो मेंबरशिप फॉर्म के बगैर तो उससे वंचित नहीं रहेगा। और मैंने पहले भी मीटिंगों में यह कहा है अगर ब्लॉक किसी वजह से उन तक नहीं पहुंचता है और उनको मेंबरशिप देने में कई कंसिडरेशंस होती हैं तो अगर वो उसमें फेल होता है तो मेरे पास आया जैसे मेंबरशिप के मकसद तो ये है कि हमने मेंबरशिप के जरिए समाज के जितने वर्ग हैं चाहे वो युवा कांग्रेस है चाहे महिला कांग्रेस है, महिलाएं हैं चाहे ये आपके अनुसूचित वर्ग के पिछड़ा वर्ग के हैं दूसरे लोग हैं महिलाएं हैं ये सब हमने अपने इसमें जोड़ने हैं मेंबरशिप में। और हमारी मेंबरशिप हो रही है बूथ स्तर पर, और जो बूथ स्तर पर हमने टारगेट रखा है 25 मेंबर मिनिमम और मैक्सिमम वो चाहे 200 हो जाए उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर मिनिमम 25 मेंबर हर बूथ स्तर पर हमारे होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। तो ये पूरी इससे लगी हुई है मेंबरशिप, हर ब्लॉक्स में भी लगी है और ज़िला स्तर पर भी हो रही है। मैं भी खुद जाकर जहाँ जहाँ लोगों को जरूरत है मेंबरशिप खुद मैं जाकर पर्सनली उनको मुहैया करवा रहा हूँ। और इसी मेंबरशिप की जो इंचार्ज हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से दीपा दास मुंशी, आपको याद होगा कि प्रिय रंजन दास मुंशी जो केंद्र में मंत्री भी रहे उससे पहले वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, तो उनकी पत्नी है ये दीपा दास मुंशी जिसको प्रभारी बनाया गया है ये कांग्रेस कमेटी की जो मेंबरशिप है इसका हिमाचल का। उनके साथ एक शमीमा रैना भी आ रही है जो उनकी सह प्रभारी हैं और राठौर साहब भी आएंगे। तो वो यहाँ पहुँच उन्होंने यहाँ पर जो मेंबर्स हैं जो हमारे मेंबरशिप से ताल्लुक़ रखने वाले
हमारे सदस्य हैं, इन जनरली हम मीटिंग बुला रहे हैं सारा की, उसको अध्यक्ष भी एड्रेस करेंगे और वो जो हमारे इंचार्ज हैं वो भी इसको एड्रेस करेंगी। तो ये हमारा कार्यक्रम है 17 तारीख का, हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ऊपर सर्किट हाउस में, जो हॉल है नए सर्किट उसमें ये कार्यक्रम हमने रखा है कि 11 बजे ये 17 तारीख को। तो ये हमारा कार्यक्रम है मेंबरशिप को प्रोत्साहित करना और लोगों को, और जो यहाँ पर जितनी मेंबरशिप हो चुकी है ब्लॉक वाइज या जिला स्तर पर उसकी